खवातीन हज़रात जहाँ जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरा सलाम कबूल फरमाइए और अपनी खैरियत से मुझे आगाह करें। और मेरी खैरियत यह है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जहाँ हैं जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून का एहतराम करें, अपने लोगों की हेल्प करें, बल्कि आपसे जो भी हालात में नीचे हो उसकी हेल्प करें, चाहे वो किसी भी मुल्क से किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। आज का प्रोग्राम दरअसल दो नस्लों का प्रोग्राम है, जूनियर सीनियर। सीनियर को कैसे मिलना चाहिए जूनियर के साथ और जूनियर को अपने सीनियर के साथ कैसे मिलना चाहिए और क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए। एक्टिंग बहुत सारी चीज़ों से बनती है। मेन चीज़ होती है सपोर्ट, यानी आपके अपने स्टूडियो हो, आपकी अपनी फिल्में हो, आपकी अपनी प्रोडक्शन हो, आपका अपना इदारा हो और आपके पीछे पूरा सिस्टम, एक पूरा ख़ानदान हो, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है। और दूसरी तरफ भी एक फनकार है जिसे उस मकाम पे पहुंचने के लिए किन किन रास्तों से गुजर के और कैसी कैसी कठिन राहों को अबूर करना पड़ता है और फिर वो फनकार अपनी आवाज़ के ज़रिए अपने हालात से, अपने इलाके से, अपने सिस्टम से निकलकर पूरी दुनिया में अपना नाम पता करता है। ये कोई आसान काम नहीं है, काम तो ये ऊपर वाले की है, मगर इसमें मेहनत उस फनकार की है। दोनों फनकार हमारे पास हैं जो मैंने सुना है आप, दोनों के नाम, दोनों का इस फील्ड से किस तरह ताल्लुक़ बना, किस तरह उन्होंने मेहनत की और कहाँ कहाँ गए पाकिस्तान के फन को लेकर। झंडा उनके हाथ में भी पाकिस्तान का है, लेकिन बताऊंगा आपको ये सारी बातें, मिलवाऊंगा आपको उन फनकारों से, लेकिन हमारे साथ रहें। मैं लूँगा यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, डोंट गो एनीवेयर, we'll be right back। शादी हो गई है रहीम शाह। हाँ, जब मैंने आपका पहली दफा नाम सुना तो मैं समझा कुछ तावीज़ दे वाला बाबा है। ये दौर भी असल में मुगलिया ही दौर है पर बादशाह खुल के सामने नहीं आ रहा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब हम ब्रेक पे गए थे हमने अपने दोनों मेहमानों के कुछ इशारों में आपको बताने की कोशिश की थी, दोनों का ताल्लुक किसी ना किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी की इंडस्ट्री से और थिएटर से है। उनके बारे में इतना जानता हूँ कि उनके फैमिली पाकिस्तान बनने से भी पहले इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता थी और जब वो इंडस्ट्री में आई थी वो एकदम आते के साथ ही छा गई थी। आपकी बहुत सारी तालियां, मोहब्बत, प्यार में मैं
जहमत दूंगा एक ऐसे नाम को जिसे सुनकर आप यकीनी तौर पर आपके हाथ तालियों में बदल जाएंगे, बहुत सारी तालियों में तशरीफ लाएंगी। जाना मले जरूर जल्दी से सर। अच्छा जल्दी से बुलाने लगे हैं उस आदमी को जिसे कतई जल्दी नहीं है। उनके गीत ने बहुत शोहरत बख्शी और वो इतना गाना सुना गया और इतना परफॉर्म हुआ कि वो उनकी शनाख्त बन गया। लेकिन उन्होंने ये एतराफ़ किया कि पहले तो कभी कभी गम था लेकिन अब पाकिस्तान में हर आदमी गम ज़दा है, पता नहीं क्या बात। ये उनके गाने से नहीं हुआ, हालात, महंगाई, चोरियां, डाके, झूठ, बेईमानी, मिलावट, इस सब चीज़ों ने, पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर वक्त आदमी खौफ ज़दा और गम ज़दा फिरता है। इन लम्हात को हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बांटें। इस गाने को उरूज पर पहुंचाने वाले मेरे रब ने उनको तबीयत भी बड़ी सारा दी। आपकी पुरजोर तालियों में रहीम शाह। पहले तो कभी कभी गम था मगर अब हर दम तेरी याद सताती है, मगर अब हर दम तेरी याद सताती है। पहले तो कभी कभी गम था मगर अब हर दम तेरी याद सताती है, आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। सर थैंक यू सो मच। इंसानों के बीच में ए परी अरे सर तुम आज मुश्किल सी लग रही है कुछ शख्सियत, आप किसी बात से खूफ ज्यादा तो नहीं है? नहीं मैं बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। खुश है? एक राज बता दो इनको लोगों को। बता दीजिए। अभी जो आपने मुझे बताया जरूर, व्हाई नॉट। कितने महीने हुए? 3 महीने हुए। 3 महीने हुए हैं है? हाँ जी शादी हो गई है। अरे कुछ सुनते हैं गांव के लोगों? रामगढ़ के बैठियो, अब तो इसकी भी शादी हो गई। क्या शादी हुई तो हीरोइन बची कौन? मुश्किल हो गई, ये तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गई। मैं आपको दिल की गहराइयों से, मोहब्बत प्यार से, अपने चैनल की तरफ से, अपने तमाम टीम की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जनाब रहीम शाह। आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। जब मैंने आपका पहली तो नाम सुना तो मैं समझा कुछ तावीज दे वाला बाबा है। रहीम शाह ऐसे ही नाम होते ना, तावीज आवीज देने वाले होते, औलाद ना हो रही हो, बच्चा गुम हो गया हो, इस तरह के मसाइल में ये बात डायलॉगों पे बेटे म्यूजिक ना मार, इतना मोहब्बत में इन्वॉल्व ना हो मेरी। तो एक शोहरत मैंने देखी तो हम अमेरिका भी साथ गए, लंदन भी, दुनिया के बेस्टर ममालिक में गया है। और ये गाना एक ऐसी करेंसी है जो डॉलर से ज्यादा कैश हुआ है दुनिया के अंदर। वाह वाह वाह।
बेशक माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तकबर जब आता है तो क्या करते हो? फिर मैं आपके शो में आता हूँ। ठीक होकर चला जाता हूँ, ठीक हो जाती है। नहीं यार, क्या बात, मैं तो तुम्हें इतनी इज्जत और इतना प्यार, ठीक हो जाता हूँ, इसके बाद ठीक हो जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं देता हूँ भैया, मेरे ये इल्जाम ना लगाना खुदा के वास्ते यार, कह रहे मैं आपके तो इतने प्यार से, मैं कोई तकबर की गरूर की ट्रेनिंग करता हूँ क्या? मैं तो खुद तौबा कर रहा हूँ, या अल्लाह माफ कर दे, ज़बान ना पकड़ लिया, पाक कर देगा अल्लाह ताला। तुम्हारी आवाज में तुम्हारे गानों जैसा ही दर्द है, जैसे तुम्हारे गाने हैं, जैसे तुम्हारे अंदर ये फन है कि तुम गाने जैसा अपना गले के कॉर्ड्स बना देते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि गाना कहीं जा रहा है, गला कहीं जा रहा है, बोल कहीं जा रहे हैं, तीनों मिक्सअप हो के आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। बस ये अल्लाह का ख़ास करम होता है, ये आवाज़ एक ऐसा तोहफा है उमर भाई जी, ये जिसको अल्लाह देता है तो यूँ समझ जाओ कि साथ साथ उसने अल्लाह उसको कलाम भी देता है कि ये मेरा कलाम है, इसे भी पढ़ा करो इस आवाज़ में। सुभानअल्लाह। ये और ये मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने गाने से पहले मैंने अल्लाह के कलाम की बड़ी तिलावत की है। माशाल्लाह। इसी की वजह से मैं वाहिद पाकिस्तान में ऐसा आदमी हूँ, ये पिछले 20 साल में मैंने तजर्बा किया है कि मुझे आप इंटीरियर सिंध ले जाएँ, पंजाब ले जाएँ, बलोचिस्तान ले जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा, इवन पूरा अफगानिस्तान, अल्लाह ने हर जगह इतनी इज़्ज़त दी है। और इज़्ज़त का ये आलम देखिए कि आज मैं पाकिस्तान के उस शख्स के साथ बैठा हूँ कि जिसे दुनिया सुनना चाहती है, देखना चाहती है, और मैं मेहमान के तौर पर आया हूँ। उन्होंने बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, 100% सच। देखो जी, अल्लाह जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह तो आपका जिक्र नहीं करेगा, लेकिन दुनिया को कह देगा मेरे इस बंदे का जिक्र करो। जो वो पजीराई अपनी शान के मुताबिक करता है, बेशक बेशक, और सजा भी अपने जलाल के मुताबिक देता है। देखो मैं बादशाह नहीं बना मुगलिया सल्तनत का, क्यों? क्योंकि मैं ना शहजादा सलीम का अदब करता हूँ ना अकबर बादशाह का। क्यों भाई? वो मुझे अनारकली भाभी पे तरस आता है। कहाँ चले गया अनारकली भाभी? भाभी मुगलिया दौर में कहाँ चले गया? तो इस दौर में मेरा दिल नहीं लगता। दौर में ये दौर भी असल में मुगलिया ही दौर है, पर बादशाह खुल के सामने नहीं आ रहा। वाह, मुगलिया दौर, बादशाह नहीं खुला। खुलवाएं इसको प्लीज, बादशाह का खुला लो, 4 वजीर मिलेंगे। अच्छा सुने ना, फिर 26 अगस्त को उन्होंने प्रपोज कर दिया। अरे ये इलाका कौन सा है? इसे लाहौर। या 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 वलीमे का म्यूजिक आता है? वलीमे का बजा दे। मैंने रेडियो खोला तो रेडियो में मैंने देखा एक भी गाना मैंने सुना। हाँ, रेडियो में आप देख नहीं सकते। नहीं देखा मैंने। ताल्लुक ऐसा इंडस्ट्री के साथ गहरा है कि आंख खोली तो ये स्टूडियो की मालकन थी और बारी स्टूडियो की, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है। मैंने की हमारी रिकॉर्डिंग, बिल्कुल मैंने की। अच्छा? बिल्कुल बिल्कुल की है। ये उस घराने में है और उतने ही तबीयत के अंदर सादगी है। यानी बिल्कुल होगी, कहीं से आपको महसूस नहीं होगा कि ये कोई मतलब ये नहीं है पीछे बैकग्राउंड में एक पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है। नहीं, वो आजिजी है इसमें, मैंने हमेशा देखी है। फिल्म में भी हम लोगों ने इकट्ठे किया है। हाँ जी, हम की थी हमने। हाँ जी हाँ जी, फिल्म भी, टीवी शोज पे हमने इतना सारा। मैं जाना आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आप एक एक्ट्रेस और हाँ। आपकी जिनसे शादी हुई है वो पाकिस्तान के बड़े फेमस सिंगर नौमान जावेद, तो ये एक सिंगर को एक्ट्रेस से कहाँ मुलाकात हो गई, कैसे लव हो गया, कैसे शादी हो गई?
अरे ये बहुत ही मजे की कहानी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं। बस झटपट किस्म की कहानी है। हमारी जिंदगी में पहली बार, इवन दो कि हम एक ही फ्रेटर्निटी के हैं, लेकिन कभी किसी शो में भी ऐसे ही कभी कोई होस्टिंग है कुछ, उसमें भी कभी मुलाकात ना हो सकी। ठीक है, सो 12 अगस्त को, इसी 12 अगस्त ही जो अभी 4 महीने पहले जो हमने अगस्त गुजरा है, 12 अगस्त को हमारी मुलाकात हुई जिंदगी में पहली बार। ठीक है, उसके बाद जी 18 अगस्त को ऐसी एक और मुलाकात हो गई। उसके बाद जी हम अपने काम में बिजी हो गए, वो अपने काम में बिजी हो गए, क्योंकि कराची की ट्रिप्स थे, टूर्स थे, ये सारा कुछ 26 अगस्त को उन्होंने प्रपोज कर दिया। एक्चुअली सर सारे इत्तेफाकात जो आपके साथ हो रहे हैं, जी जी, ये इलाका कौन सा है? सर लाहौर। या 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 लाहौर लाहौर में, लाहौर में। अच्छा लाहौर जाना चाहिए, बिल्कुल फॉरेन, बल्कि आपको भी कहूंगी। अच्छा सुनिए, और अगस्त में जाना चाहिए। हाँ अगस्त में, अब इतना सारा साल वेट करना पड़ेगा। अच्छा सुनिए ना, फिर 26 अगस्त को उन्होंने प्रपोज कर दिया। अरे ठीक है, और मैंने कहा हाँ ठीक है। आपने भी कहा ठीक है? हाँ मैंने भी कह दिया हाँ ठीक है। मुझे आप लोग पता क्या लग रहे हैं, दो परिंदे जो तार पे नहीं बैठे हुए थे, बिजली के तारों में बस नहीं तो कोई कोई नखरे नहीं दिखाए, नहीं मैं सोच के बताऊंगी, नहीं अभी नहीं। पता है जब 12 अगस्त को मेरी इनसे पहली दफा मैंने इनको देखा था ना, ओहो, तो बस वो पीछे होता ना बैकग्राउंड में वायलिन बजे, आलाप चले, बिल्कुल नंग नंग या या सितार बजे, नंग 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 सितार। सर हैप्पी वाला सितार। अच्छा हैप्पी वाला सितार, एक मिनट सुन लीजिए, कौन सा? बिल्कुल ये दूर से कनीज खतरे दिया। तो बस 2 सितंबर को अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया, और निकाह हो गया शहनाई। क्या बात है, वलीमे का म्यूजिक आता है, वलीमे का बजा दे। वलीमे का हम जब नुमान जावेद को बुलाएंगे तब उन्हीं से पूछेंगे, तब प्लीज। हाँ जरूर। लेकिन अभी हम रहीम शाह से भी तो पूछेंगे, आपकी जिंदगी में शनाइयां कब बजी, कब ऐसे म्यूजिक बजे, वायलिन बजे? ये तो पता है ना, मेरी बहन आपको पठान आदमी हूँ, तो वायलिन को तो भूल जाओ। तलवारें निकल गई। बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं इनकी माशाल्लाह जिनसे इनकी शादी हुई है वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और लाहौर इन्होंने बताया है, मैं भी लाहौर जाऊंगा इंशाल्लाह। उमर भाई ने मुझे बताया है पूरा, लेकिन वो लोकल एरिया भी पूछ लें कौन सा है। तो फिर सही पता लग जाएगा। तो लेकिन हमारी मेरी शादी में ना कोई शहनाई ना कोई बाजा, कुछ भी नहीं बजा, और सादगी तरीके से जो सुन्नत तरीका है। अच्छा, और मैंने पैसे का शोशा नहीं किया है, मैंने दिखावा नहीं किया है, मैंने तस्वीरों पे तवज्जो नहीं दी है, मैंने आने वाली जिंदगी पे पूरी की पूरी तवज्जो दी है। तो सब कुछ उसके लिए। मुस्तकबिल को संवार रहे आप। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। आने वाले दौर कुछ भी हो सकता है, अल्लाह करे कि इससे भी ज्यादा आपको तरक्की मिले। उमर भाई अब मिल जाएगी मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, और आपके तवज्जो से, क्योंकि आपका शो ऐसा है कि इसे ना देखते हुए भी कोई देखता जरूर है, तो जहाँ भी आप होते हैं, जिस चैनल पे भी होते हैं। ये तो हो गया कम से कम के, अब मैं जब रास्ते में आ रहा था गाड़ी में, और इससे पहले भी एक और शो था उस पर था मैं, तो मैंने रेडियो खोला तो रेडियो में मैंने देखा एक भी गाना मैंने सुना। हाँ रेडियो में देख नहीं सकते। नहीं देखा मैंने, ट्यून किया ना, जब मैंने देखा फिर सुना, तो सुनने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ और यकीन हो चला कि यार अब पाकिस्तानी म्यूज़िक सुना जाएगा। क्योंकि मैंने तकरीबन कोई 2.5 घंटे तक सुना और देखा कि कोई भी इंडियन और कोई भी यानी ऐसा जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसका कोई ऐसा गाना नहीं चल रहा था। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। पूरे जब वो गाने सुने जाते थे तब भी माशाल्लाह आपके गाने लोग पसंद करते थे, और उस टाइम भी लोग आपके गाने सुनते थे। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फिल्में इंडिया से रिलीज नहीं हुई, मैं आज इस बात पर बड़ा खुश हूँ। सही बात। ये हकीकत है कि ये बगैर इंडिया की इंडस्ट्री के सपोर्ट के बगैर इसने बड़ी तरक्की की। अब तो इंडिया का इतना हमारे ऊपर एक ज़माना था
कि इंडिया इतना हो गया था, छा गया था कि अगर कोई मर जाता था लंदन में तो फ्लाइट में जिसपे आना है डेड बॉडी ने, वो रिश्तेदार वाया भारत से लेकर आ रहे हैं कि भाई कम से कम मरहूम इंडिया से चक्कर मार गया था। बड़े बुरे हालात, हमने उस हालात के अंदर मुकाबला किया इंडियन फिल्मों का, बड़ा सख्त थिएटर छोड़ गया उनके सामने, थिएटर से मारा इंडियन फिल्मों को। ओ सर, मैं आपको बताता हूँ, बल्कि शायद आपको पता हो, मैं एक मूवी देख रहा था, इंडियन मूवी थी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ मेरे ख्याल में, अमिताभ और गोविंदा। तो एक सीन उसमें वो जेल का उन्होंने दिखाया है कि वो डाकू सुल्तान किसको पकड़ते हैं वो, जो ड्रामे में हुआ है एज इट इज मैंने देखा, वही बोला है, वही हुआ है। अमिताभ ने और गोविंदा ने किया दोनों ने, ड्रामे का नाम था हम मेरा ड्रामा था उसका नाम छोटे मियां बड़े मियां, उसको उन्होंने किया था हमजा हो तो सामने आए, थाने का ड्रामा था जी, बिल्कुल थाने, हाँ थाने का था बिल्कुल। हम मारा लिए तो करते रहते हैं, इस पे हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, आप भी खुश, आप भी खुश हैं, ये अलग बात है, मगर मैं एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हमारी सोसाइटी गलत जगह जा रही थी, लेकिन आज जो इंडियन फिल्मों का बाकायदा तौर पे बाज़ाबता उनका वो बायकॉट हुआ है और पूरी कौम एक पेज पे आ गई, बिल्कुल कहती नहीं देखना, नहीं देखना बिल्कुल, जो हमारी तरफ गुस्से में देखे हम उसकी फिल्म को प्यार से कैसे देखे, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मोहब्बत से जियो यार, हम तो मोहब्बत में जान देने को फिरते हैं। बहुत प्यार दे दिया उमर भाई, हाँ बस आप देंगे तो लेंगे, अब वो जो भी देंगे लेंगे, बस आपने रहीम भाई सोच लिया खत्म हो गई बात, खत्म कर दी मैंने, अब किसी के सोच, अब दिमाग बंद हो चुके हैं बस। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे, अगर आपको कल गाने की ऑफर हो जाए आशा जी के साथ, अच्छा तो क्या करेंगे आप? वैसे आशा जी पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, वो इतनी नई नहीं है। अगर मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं इतना जानता हूँ कि मुझे मालूम है आप एहतराम में गा लेंगे एक आधा गाना, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल मैं देख लो मुझे, मैं बता रहा हूँ उमर भाई, बकौल आपके शुरू में आपने यही फरमाया कि जो मुझे अल्लाह ने अपने मुल्क में दे दिया है क्या मेरे जैसा दूसरा बनाया अल्लाह ने? नहीं, मैं तो, मुझे तो नज़र नहीं आता, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस मुल्क से अगर वहाँ जाऊँ, वहाँ करूँ, कोई काम करूँ, मैं हाँ हिंदुस्तान के अलावा मैं गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, मैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में मैंने कॉन्सर्ट किया, मैं उज़्बेकिस्तान गया हूँ, ताजिकिस्तान गया हूँ, यूक्रेन तक मैं गया हूँ, और ये भी नहीं है कि वहाँ पर हमारे लोग नहीं थे, हर तरह के हमारे, यानी जो पंजाब कह दें आप, सिंध कह दें, बलूचिस्तान कह दें, हर सूबे का आदमी मैंने वहाँ पर देखा, यानी तो मुझे क्या जरूरत है, पूरे दुनिया में है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह है। बस ए उमर भाई आप वाली बात कि जिस दिन ये यूं हो गया ना, बिल्कुल, तो फिर पाक ही पाक होगा, यूनिटी, वाह, मुसलमान एक हो, बस तो पाक होगा ना, कसम से, फिर पाक एक हो मुस्लिम हरम की पास मानी के लिए, वाह, नील के साहिल से लेके ताबा खाका काश्कर, अल्लाह, काश्कर जो है वो रशिया में है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये शेर अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, बिल्कुल, एक हो मुस्लिम हरम की पास मानी के लिए, तो हम एक हो जाए तो फिर क्या है, इंशाल्लाह होंगे, क्या बोलते हैं आप, एक हो जाए क्या, इंशाल्लाह पर दुनिया में कोई हम से ज्यादा ताकतवर कौम नहीं होगी, नहीं कोई, और इतनी दिलेर, दिलेर आप बताएं, आपको कोई सामना कर सकता है, आपके साथ कोई बोल सकता है, नहीं कोई भी, इम्पॉसिबल, बताएं मुझे, अब मुझसे पूछो मैं क्या बोल, मैं चुप ही रहूंगा, वो फिर भी नहीं बोल सकेंगे, वो तो ये लोग बोल रहे हैं ताली वाली बजाय कैश पैसे आगे दे मुझे। अच्छा बहरहाल ये सारी बातों के बावजूद रहीम शाह जिंदगी कुछ हकीकतें हैं जिन्हें ना तुम बुला सकते हो और ना मैं बुला सकता हूँ, हकीकतों से आंखें नहीं चुरानी चाहिए, नहीं उनको फेस करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कभी हम जिक्र करते हैं आंखों में आंसू तो आते हैं और लब थरथराते भी हैं, दिल बैठता भी है,
दिमाग सोचता भी है, एक इशारा जिसे देखने के बाद एक रابطہ टूट सा जाता है, उसका नाम है क्या सर? ब्रेक। लोह डरा दिया सहरा। शुरू हो गया भाई शो। आपको तो पता है मैं बुक रीडिंग का मुझे बहुत शौक है। आप हर बात के बात करती हैं। आपको तो पता है। अच्छा सवाल ये पता था, मुझे कैसे पता है? शोहरत याफ्ता हो के आदमी अपने घर वालों से भी क्या मगरूर हो जाता है? नहीं, नाराज होता अब्बा से कि यार अब्बा मुझसे ऑटोग्राफ नहीं लेते। शहर खाली, वाह, जाम खाली। एक इजाफा कर लो, शहर खाली, बाग खाली, जाम खाली और जेब भी खाली। नहीं 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 उमर भाई नहीं, प्लीज खुदा के लिए नहीं। अरे नहीं प्लीज, प्लीज, प्लीज आप उमर साहब को ना करें। नहीं नहीं ना करें, वो समझ रहे मैं किस बात के लिए कह रहा हूँ। क्या नहीं कोई ये क्या बात है? शुरू हो गया भाई शो। शुरू हो गया। आगे कैमरा, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे हम गए और वापस आ गए, हमारे साथ वही दो मेहमान हैं, वही जाना मलिक हैं, वही रहीम शाह हैं, वही सोफे हैं, वही कुशन हैं, बिल्कुल वही हम सब हैं, बिल्कुल। और हमारे मेहमान इस वक्त रहीम शाह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक हल्का सा कुछ गुनगुनाहट हो जाए। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है उमर भाई, मेरा एक बहुत पुराना, बहुत ही सादा, आपको पता है सादे आदमी को सादे लोग अच्छे लगते हैं, लकी मेरा बहुत प्यारा दोस्त, हमारा साथ बहुत पुराना है, आपकी इजाज़त है मैं उधर खड़े होकर उसके साथ ताकि वो फील ना करे क्या मालूम आपके साथ क्या आएगा भाई। हाय 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 हाय। लकी, लकी अली का, वैसे तो लकी अली खुद एक बड़ा मुकम्मल फनकार है, लेकिन ये एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक है और ये सजाद अली का भाई है। अच्छा वाह, क्या बात, बहुत शुक्रिया। शहर खाली, वाह, बाग खाली, वाह, जाम खाली। एक इजाफा कर लो, शहर खाली, बाग खाली, जाम खाली और जेब भी खाली। शहर खाली, बाग खाली, जाम खाली, हो गया मैं खाना खाली, सागर और पैमाना खाली। और फिर पश्तों में कहते हैं जो फनकार है उसके घर में आटे का डब्बा भी खाली। और क्या क्या खाली, सर सर बालों से खाली, और दलवंग बने सांगित गुलशा, आउज बसूरी लदर जमा दलवंगो, औ जाना काबलो पूछियो को दलवंगो, जाना काबलो पूछियो को दलवंगो, औ दलवंगो वने माई खाली, क्या बात है, क्या बात है, क्या, दोनों बेमिसाल फनकार हैं,
दोनों लाजवाब फनकार है। क्या कहा? काबुल का तो समझ आ गया, काबुल का तो के काबुल चली गई समझ आ गया, है जानान जो है वो काबुल चली गई। ये मैं खोल देना भाई, बता दूं। दलवंगुवने सांगिद गुलशा, ये कह रहे हैं कि ओ लवंग के पौधे या पेड़, तेरी शाखें हरी भरी हो जाएं। औज़ बसूरी लदर जमा दलवंगु, तब मैं आऊंगा तेरी छाव के नीचे बैठने के लिए। वाह वाह। फिर कहा मैंने उमर भाई के लिए दुआ है, दुआ है। ये दोस्ती के लिए था, पाक अफगान दोस्ती के लिए। जानान का बलो कुछ को दलवंगु, आपको पता है जो अफगानी भाई बहन वो सब वापस जा रहे हैं, कहते जानान दोस्त सनम मेरे काबुल का था, अब वो वापस जा रहे हैं। जानान का बलो कुछ को दलवंगु, दलवंगु बने माई खाली दरबार तो उड़ सलाम ना दलवंगु, अब वो खाली जो वो छोड़ के अपनी जगह उसको सिर्फ सलाम किए जाता हूँ। वाह वाह वाह, तुम भी सलामत रहो हम भी सलामत रहो। वाह वाह वाह, और हमें वाकई में अपने अफगान भाइयों को ऐसे ही रुखसत करना चाहिए उसी प्यार के साथ जैसे वो यहाँ प्यार से रहे हैं, और इस जमीन को उन्होंने अपना समझा। उनको मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अल्लाह करे इंतहाई हिफाजत से अपने घरों पे पहुँचे, आप हिफाजत से पहुँचे। अच्छा, ये जो आपने गाना सुनाया ये तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह। आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल किए? सर ग्रेजुएशन की प्राइवेटली। अच्छा, काम ही करती रही, आपको पता है बचपन से काम कर रही हूँ। जान जान। So, वो बड़ा एक लुक्रेटिव मेरे लिए था कि चेक आता है, फिर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, फिर मैं खुश हो जाती हूँ। सो दैट वाज माय प्रायोरिटी, दैट बिकेम माय प्रायोरिटी। बट स्टडीज ऑफ कोर्स, आपको तो पता है मैं बुक रीडिंग का मुझे बहुत शौक है। yeah. हर वक्त कोई ना कोई मोटी सी किताब होती है। अब साइंस ने तरक्की कर ली है, अब मेरे पास एक टैबलेट है। आपको तो पता है। अच्छा, सवाल ये पता था मुझे कैसे पता है? अच्छा सॉरी ना, नहीं, आप नहीं बात बता बता रही। रही। आप टेप निकाल के दिखा दे दो, आप कह रही हैं आपको तो पता ही है। अच्छा, मैं बता रही हूँ ना आपको। अच्छा, हाँ, सो मेरे पास अब वो जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि आपने बताया, आप कहेंगे जैसा कि मैंने बताया। वाह अच्छी बात। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई। पॉकेट मनी पे थी आप। आप ये बता रहे हैं कि ये वो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सो एजुकेशन, सर एजुकेशन जो है वो तो जिंदगी के साथ साथ चलती रहती है, जितना जिंदगी खुद एक एजुकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। सो स्कूल ऑफ लाइफ से जो सीखता है एक इंसान वो स्कूल में तो नहीं मिलता, ठीक है, दुनिया में जब हम निकलते हैं। मैंने उल्टा पढ़ना शुरू किया, मैं पहले दाखिला ले यूनिवर्सिटी में। वाह वाह। वहाँ पे मैं जो हुआ मेरे साथ तो मैं कॉलेज में आ गया। अच्छा, वहाँ जो हुआ ना तो मैं स्कूल में आ गया। ओके, और जो वहाँ मेरे साथ हुआ स्कूल में जी तो मैं बाहर आ गया। मुझे बाद में लोगों ने बताया आप पढ़े लिखे हैं। हाँ तो और क्या, बस यही होता है, बोर्न एजुकेटेड हैं आप। हाँ। ये जो एहसास मुझे मिला ना वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जी, तो मैं फिर रोने लगा। नहीं, अरे क्यों? मुझे लोगों ने चुप कराया, बोले देखो अगर टाइम पे पढ़ लेते आज रोते नहीं। अच्छा सर, रहीम, शौहरत क्या हो गई है आपके लिए? तो कोई मायने नहीं रखती, आप बहुत मशहूर आदमी है। शौहरत याफ्ता हो गया आदमी अपने घर वालों से भी क्या मगरूर हो जाता है? नहीं, नाराज होता अब्बा से कि यार अब्बा मुझसे ऑटोग्राफ नहीं लेते। बड़े भाई को बोल देते यार ऑटोग्राफ नहीं लेता, क्या हम आर्टिस्ट नहीं है? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं, मेरे तो नाम ही बड़े भाई पे रहीम शाह, मेरा तो अपना नाम मोहम्मद है। नहीं, लेकिन मैं तो अगर ऑटोग्राफ भी देता हूँ तो रहीम शाह ही लिखता हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि आप इतना अच्छा गाते हैं लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं नहीं हमें तो वो सिंगर बहुत पसंद है, हम उसके गाने शौक से सुनते हैं? ऐसा हर घर में होता है, घर की मुर्गी दाल पर। ऐसा मेरे साथ भी होता है। मेरे आपका गाना मशहूर हुआ कभी कभी गम था, तो आपके घर वाले कह रहे हैं मेहंदी हसन अच्छा गाते हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है।
फिर आप खुद ही कह रहे हैं इसमें कुछ शक नहीं है। अब राज मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। अरे वाह वाह वाह, इस तरह रहे क्या? आपके इतने पुराने दोस्त हैं, इनका हक बनता है पहले जाना। नहीं, इनको तो मैं आधे से ज्यादा इनके गुनाह जानता हूँ। जब मैं आईना देखता हूँ तो मुझे याद आता है मैं इसी तरह बैठ के हजामत करवाता हूँ। इतना गमजदा गाना था वो कि लोगों ने मरम लगा लगा के सुना है। हनीमून का जो चक्कर है वो अभी मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। अच्छा। एक तो थोड़ा सा नहीं, बच्चों के साथ ही जाना।